सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहें। सुंदर आभूषण एवं वस्त्र हमें उतना खूबसूरत नहीं बनाते जितने की एक प्यारी सी मुस्कुराहट बनाती है। समस्याओं से निराश नहीं होना चाहिए, डटकर उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। अपना व्यवहार हमेशा गणित के शून्य की तरह रखें। जो स्वयं कोई कीमत नहीं रखता लेकिन दूसरों के साथ जुड़ने पर उसकी कीमत बढ़ा देता है। आज का पंचांग 18 जनवरी 2023 दिन बुधवार, मांग मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि शाम 4:03 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अनुराधा नामक नक्षत्र शाम 5:22 तक रहेगी। इसके उपरांत ज्येष्ठा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:29 से 1:49 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मकर राशि पर रहेंगे। धनुराशि 18 जनवरी 2023 दिन बुधवार, इस बात की संभावना है कि कोई आपके आसपास आपके विचार चुराकर अपने करियर में प्रगति करना चाहता है, इसलिए किसी से बात करते हुए सावधान रहें। आपको इस समय बड़ी गंभीरता से अपने हित के बारे में सोचना है। अपनी लंबे सहकर्मी में रह चुके लोगों के साथ भी अपनी जानकारियां साझी करें। इस दौरान धीरज से काम लेंगे तो जल्दी ही अपने शुभ चिंतकों को भी पहचान जाएंगे। आज धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में व्यस्त रहेगी। कोई प्रॉपर्टी संबंधित मामला चल रहा है तो उसे सुलझाने का उचित समय है। कोई भी लिया गया महत्वपूर्ण फैसला भविष्य में फायदेमंद साबित हो सकता है। अटके कामों को आगे बढ़ाने के लिए किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद लेनी पड़ सकती है। इस व्यक्ति के साथ बातचीत करते समय किसी भी प्रकार का विवाद ना करें। परिवार के लोगों के साथ बिताया वक्त आपको आनंद दिलाएगा। काम से संबंधित कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश करें। नौकरी करने वाले को अपनी नौकरी से संबंधित चिंता महसूस हो सकती है। वैवाहिक जीवन में स्थिरता नजर आएगी। अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। सावधानियां, अपने गुस्से और आवेश जैसी नकारात्मक आदतों पर काबू रखना जरूरी है। आर्थिक मामलों में बहुत अच्छे सूझबूझ व सोच विचार कर निर्णय लें। अति आत्मविश्वास भी आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। बात करते हैं लव लाइफ की। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। युवाओं के दोस्ती प्रेम संबंधों में तब्दील हो सकती है। आज के दिन अपने परिवार को समर्पित करने के लिए महत्वपूर्ण है। करियर और अन्य बाहरी विचार आपका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर सकते हैं। हालांकि आपके रिश्ते की स्थिति पिछले दिनों से थोड़ी अनिश्चित सी हो गई है, इसलिए यह समय की मांग है कि आप अपने परिवार की तरफ भी पूर्ण रूप से ध्यान दें। ऐसा आपको लगेगा कि आपकी वित्तीय स्थिति को नुकसान पहुँचा है, परंतु कुछ विचारशील और संदेशशील अपने साथी के लिए करना आपको काफी पुरस्कृत कर सकता है। बात करते हैं करियर की। आपको इस बात का आभास नहीं है कि आपके सहकर्मियों को कितनी चिंताओं और तनाव से गुजरना पड़ रहा है। अपने समय को बचाने की बजाय उनकी चिंता को समझना आपके लिए आज ज्यादा जरूरी होगा। अगर आप फिर भी बिना सोचे समझे आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको कड़ाई से सबक मिल सकता है। आपको एक नए घर का स्वामित्व भी मिल सकता है। व्यवसायिक संबंधित किसी भी कागजी अथवा दस्तावेज पर बिना पढ़े कोई भी कार्यवाही ना करें। इस समय नए उपलब्धियां आपके सामने आने वाली है। सिर्फ उचित समय पर उचित निर्णय लेने की जरूरत है। नौकरी में टारगेट पूरा होने से तरक्की भी मिल सकती है। बात करते हैं सेहत की। आज एक नीरस और रूटीन जीवन शैली के आदि हो चुके हैं और इस प्रक्रिया का बुरा असर आपके शरीर पर देखा जा सकता है। अब भी समय है आपको जल्द ही अपनी पहले वाली ताकत और स्टेमिना हासिल करने की एक्सरसाइज शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि आपको जल्द ही किसी शारीरिक मेहनत वाले काम के लिए बुलाया जा सकता है।
अपने तनाव को दूर करना भी महत्वपूर्ण है, चाहे आप इसे न जानते हो, लेकिन आपका अस्वास्थ्यकर खाना ही इस तनाव का कारण है। आज का उपाय, आज अब गाय को रोटी खिलाए शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।